हेलो फ्रेंड्स, वन जंक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के कैलेंडर से। तो दोस्तों आज एक खास अपडेट आया बॉलीवुड से कि भैया बॉलीवुड के कैलेंडर में दो बदलाव हो चुके हैं, यानी कि भैया दो फिल्मों ने अपने रिलीज डेट को एक्सचेंज कर लिया है, बदल लिया है। तो भैया ये फिल्में कौन सी हैं? तो भैया एक फिल्म है इरफान खान और करीना कपूर खान की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि अंग्रेजी मीडियम, और दूसरी फिल्म जो है वो है जानवी कपूर की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तो भैया आपको तो पता ही है कि पहले जो अंग्रेजी मीडियम थी वो 20 मार्च को सिनेमा घर में एंट्री मारने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म जो है वो 20 मार्च को रिलीज नहीं होकर बल्कि 13 मार्च को रिलीज होगी, यानी कि एक हफ्ते पहले ये फिल्म सिनेमा घर में दस्तक दे देगी। यानी कि भैया जो दिन थे ना वो घट गए, यानी कि बहुत जल्दी ही इरफान खान जो है वो आ जाएंगे अपनी फिल्म को लेकर कहां, तो भैया सिनेमा घर में। और वहीं पे अगर मैं बात करूं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की, तो भैया ये फिल्म जो है अब 24 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि भैया आपको इन आने वाली दोनों फिल्मों का कितना इंतजार है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।